अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जवाहिर रिएक्शंस। होप यू ऑल आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी अपने अपने घरों में खुशबाश फिटफाट और शादाबाद हों। अच्छा जनाब, आज की वीडियो में थोड़ी सी बात करना चाह रही थी। सितारा का आज का व्लॉग देखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो प्लान कर रही हैं या प्लान कर चुकी हैं, उनकी तैयारियाँ हो चुकी हैं या होने वाली हैं और वो कैनेडा मूव करने वाली हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा अपनी राय का इजहार करेंगे और कल का जो भी सितारा का रिएक्शन था उसके ऊपर मैं अपने पॉइंट्स रख चुकी हूँ। अब कोई इख्तिलाफ़ करता है या कोई उन सारी चीज़ों से एग्री करता है तो वो सबकी अपनी अपनी राय है। मैं जो जिस तरीके से चीज़ों को देख रही थी उस तरीके से मैंने यहाँ पर रखी। मज़ीद भी कुछ पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि आगे रख दें उनको, लेकिन यहाँ पर है ना एक चीज़ है कि ये एक पता नहीं क्यों लोगों ने दिमाग में बिठा लिया है कि अगर हम कोई चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि सितारा आपकी ये बात सही नहीं है तो बस जी कुछ लोग बस इसी नज़र से देखते हैं कि आपको सितारा में कमी नज़र आती है और आप लोग जो है ना वही डसते हैं सितारा को, वरना यहाँ पर ऐसा लगता है कि हम ही वाहिद थे जिसको सितारा ने गले लगाया है। और मैं अगर लिटरली बात करूं, हम किसी को अपनी नियत जो है ना वो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन शायद कोई एक कनेक्शन था जिसकी वजह से हम स्टिल जो है ना बहुत सारी चीज़ों में सितारा को पॉइंट आउट करते हैं, उनकी गलतियों को बताते हैं कि सितारा इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ों में बस रिएक्ट कर रही हो, बस आप जज्बाती हो रही हो, चीज़ों को आप वाइजली नहीं देख रही हो, ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं होंगी। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जिनकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई है, उनको ऐसा लगता है कि जी हम जो है वो सितारा के हेटर बन गए हैं और बस जी सितारा ने हमें गले लगा लिया तो हमने उनको डस ही लिया है। मेरा ख्याल है कि वाईटी पर बाकी उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि बाकी सितारा ने किस किस को गले लगाया है और कौन किस किस तरीके से सितारा को डस रहा है। डसने की वजह से सितारा यहाँ पर ट्रोल भी हो रही है, लेकिन खुद सितारा भी इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है या उनके साथ कन्वीनियंट है। अब उनके जो भी रीजन हैं वो वही बेहतर समझ सकती हैं, लेकिन कुछ लोग शायद ऐसी ही सपोर्ट चाहते हैं कि जी आप बैक पर कुछ भी बोल दो, बस आप फ्रंट पर सपोर्ट कर रहे हो ना, फ्रंट पर आप सितारा सितारा कर रहे हो तो बस वही ठीक है। और कुछ लोग जो है ना बस ऐसी ही सपोर्ट चाहते हैं। तो सॉरी, वेरी सॉरी कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, सच में नहीं हो पाएगा। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कितनी ही वीडियोस बनाई हैं और मेरे ख्याल से जो रेगुलर व्यूवर होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने कभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब तक कभी नहीं बोला है। इसलिए कि मेरे दिल में ये चीज़ आती है कि मुझे इन सारी चीज़ों को या किसी को इमोशनल करके जो है ना, खासतौर से सितारा की ऑडियंस को इमोशनल करके मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। अगर चाहिए होते ना तो यहाँ पर बहुत तरीके थे सितारा की ऑडियंस को अपने मीठे मीठे से जाल में फंसाने का। बल्कि अगर मैं सच बात बताऊँ तो मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मेरा कभी भी इरादा नहीं था कि मैं इसी ट्रैक पर ही वीडियोस बनाती चली जाऊँगी। स्टार्टिंग की वीडियोज़ में मैंने इस बात को मैंशन भी किया है और शायद इस पूरी सितारा कॉन्ट्रोवर्सी में मैं वाहिद होंगी जिसने वीडियो बना के बोला था कि प्लीज़ मुझे जस्ट आप इसलिए सपोर्ट ना करिए या इसलिए सब्सक्राइब मत करिए कि मैं सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे जो चीज़ सही लग रही है, जो चीज़ गलत लगेगी सितारा की भी, मैं उसको भी पॉइंट आउट करूंगी। तो उस वजह से आप जस्ट कहें कि जी आज सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब कर दें, कल को आप अनसब कर दें, तो ये सारी चीज़ें है ना इस मुश्किल में आप ना पड़िए और जस्ट आप देखिए पॉइंट सही लगता है तो आप लाइक करिए, गलत लगता है तो भी मुझे बताइए। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पर सब्सक्राइबर्स मांगे ही नहीं, बल्कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने बाकायदा मुझे बोला कि आप अपनी वीडियो में बोला करो कि जी आप लाइक करें, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप लाइव्स में जाया करें। लेकिन पता है ऑडियंस है ना अपने एक मोहब्बत के तहत हम लोग को यहाँ पर मशवरा दे रही होती कि जी आप जाएं, आपका चैनल ग्रो होगा, आपके पॉइंट्स लोग सुनेंगे और सितारा की ऑडियंस इस चीज़ को पसंद करेगी। लेकिन हम जो चैनल वाले होते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ों को अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो बहुत स्टार्टिंग में ये चीज़ कम अज़ कम मैंने ऑब्जर्व कर ली थी कि हम अगर कभी किसी की वीडियो में कोई कॉमेंट करते हैं या लाइव में किसी को बात करते हैं तो अगला बंदा एक परेशान सा हो जाता है, झिझक सा जाता है, मोस्टली वो आपके कॉमेंट्स को इग्नोर कर देता है या आपको उस तरीके से जो है ना वेलकम नहीं करता है जिस तरीके से वो बाकी लोगों को करता है। कहीं ना कहीं उनके दिल में आता है शायद हम शाउट आउट के लिए जा रहे हैं। मैं लिटरली बताऊंगी वही अगेन बोलेंगे कि आप किसी को अपने दिल का हाल नहीं बता सकते हैं, नियत जो है ना वो अल्लाह बेहतर जानता है और वो सबको उसी के मुताबिक ही उसके साथ मामला करेगा। लेकिन हम अगर किसी के लिए वीडियो बनाते हैं तो कभी भी दिल में ये चीज़ आई ही नहीं कि जी आपको शाउट आउट चाहिए। हमेशा यही सोचा कि जी जैसे सितारा एक औरत है हम उसके लिए बात करते हैं तो इसी तरह बाकी लोगों के लिए भी हमने उसी नियत के तहत ही बात करी है। तो शाउट आउट्स चाहिए होते तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तरीके थे जो कभी भी यूज़ करने की कोशिश ही नहीं करी है। हमेशा यही सोचा कि जी अगर यहाँ से कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो हम जितने भी हाथ पांव मार लें कुछ भी नहीं होगा।
और अगर वाकई सिर्फ एक चैनल नीड होती या चैनल ही एक वजह होती सितारा को सपोर्ट करने का, तो 2 साल यहाँ पर सॉरी टू से झक नहीं मारते। देख लिया कि भाई 1 साल लगा लिया, नहीं अगर यहाँ से कुछ अर्न हो रहा है तो छोड़ देते ना कि भाई यहाँ तो इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं, कम अज़ कम मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन कुछ रिश्ता होता है, कुछ आपकी फीलिंग्स होती हैं जो जिसके तहत आप है ना यहाँ पर बात करते चले जाते हैं। खैर जनाब, बहुत ही लंबी तकरीर हो गई है, तो बस एक लास्ट बात इस टॉपिक पर ये करूँगी कि अगर किसी की सपोर्ट में आप उसको फेवर कर रहे हैं, उसके सही को सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके गलत को भी सही बोल रहे हैं या उसकी गलती को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, तो सॉरी टू से मुझे ये सपोर्ट नहीं लगती है। मुझे ये नादान दोस्त वाली चीज़ ज़्यादा लगेगी। मुझे लगेगा कि जी जो सितारा ने भी खुद अपने मुँह से बोला था ना कि आपसे तो हेटर अच्छे हैं, कम अज़ कम मुँह पर आकर ही तो जो भी आपके दिल में है वो आप बोल देते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में कुछ और आप मुँह पर कुछ बोल रहे हैं तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी मोहब्बत हो सकती है। तो खैर जी, यहाँ पर दीदी और बीबी की भी खुशी की बात करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर नी नज्जो और चाचू यानी कि उनके अब्बा जी जो हैं उनके दरमियान एक अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ी है। यहाँ पर नी नज्जो कभी अपने शौहर के ऊपर जो है ना बम फोड़ रही होती हैं, उनके करतूत यहाँ पर बता रही होती हैं वो कितनी दुखियारी हैं, उनके शौहर ने किस तरीके से उनका जीना अजीरन किया हुआ है और किस तरीके से वो उनको परेशान कर रहे हैं। बस नी नज्जो कहती हैं कि यहाँ पर सब कुछ हो, बंदा औरत ना हो, किस तरीके से जो है ना वो अपना यहाँ पर जो भी तमाशा लगा रही है। अब साथ साथ उन्होंने अपने अब्बा के साथ भी पंगा लेना शुरू कर दिया। अब्बा जो है वो वहाँ से नी नज्जो को यहाँ पर मुँह तोड़ जवाब या फोड़ जवाब दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि हर किसी ने जो है ना एक चैनल चलाने का यही एक जरिया समझ लिया है कि जी तुम मुझ पर बोलो, मैं तुम पर बोलूँगा, कोई बात नहीं, इज्जत तो आनी जानी है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, व्यूज़ आने चाहिए। और अभी लेटेस्ट जो ये कॉन्ट्रोवर्सी अब्बा बेटी के दरमियान चल रही है, तो ऐसा लगता है कि जी अम्मा के यहाँ आने का टाइम होता है और ये तमाशे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शायद जो है ना वो सितारा के घर में अम्मा अब्बा की लैंडिंग को सेफ बनाने के लिए ये कॉन्ट्रोवर्सी बनाई गई है कि जी नज्जो जो है वो तो गाँव में अब पूछेंगी नहीं, क्योंकि उनका अब्बा के साथ जो है वो तो आंकड़ा हो चुका है। वरना जब अब्बा वहाँ पर थे तो इस टाइम तक कुछ भी यहाँ पर नहीं फटे फसाद चल रहे थे, लेकिन जैसे ही अब्बा के आने का हम सुन रहे हैं कि जी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो नी नज्जो ने पता नहीं कौन कौन से गड़े मुर्दे उखेड़ने शुरू कर दिए हैं। वहाँ से अब्बा ने भी बताना शुरू कर दिया है कि ऐसी ना हंजार औलाद है कि जी अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। तो इससे सीरियसली समझ आता है कि यहाँ पर मकसद है क्या। यही चीज़ हम देखते हैं कि जी अब्बा जो है जब पंजाब आ जाते हैं, गिर रहे होते हैं, पड़ रहे होते हैं, उनको पता नहीं कौन कौन से दौरे पड़े होते, किस किस तरीके की उनकी हेल्थ हो रही होती है, और अम्मा जो है उनको सितारा के पास से पंजाब जाना ही पड़ता है और अब्बा की खिदमतों के लिए वहाँ पर अपने आप को पेश करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ हम देखते हैं, वरना वही अब्बा जो है जब सऊदीया गए हैं वहाँ से हमने कोई उनकी ऐसी खैर खबर नहीं सुनी है, वो बिल्कुल फिट फाट और अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के टाइम ही सारी कॉन्ट्रोवर्सीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत क्लियर साइंस हैं, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कि जी कॉन्ट्रोवर्सी आया ही चाहती है, या आप कहें कि जी कंटेंट जो है ना वो इसी तरीके से लेकर चलना है। खैर जनाब, अम्मा अब्बा की लैंडिंग जो है वो सितारा के घर हो या पंजाब में अपने घर में हो, या नी नज्जो उनकी खिदमत करें या ना करें, हमारा तो इससे कोई कंसर्न ना पहले था ना अब है। लेकिन हाँ, बस हम यही कहते हैं कि जी खुदारा वाईटी पर ही अपने घर की इच्छी पिच्छी ना ही लाया करें तो ही बेहतर है, क्योंकि फिर यहाँ पर लोग जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, फिर आप लोग को कुछ भी बोलते हैं तो आप लोग फिर बुरा मान जाते हैं कि जी हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारे मामलात है, हम तो सब खून ही रिश्ते हैं, एक हो ही जाएंगे, आप लोगों के मुंह में क्या ही रह जाएगा। फिर जो यहाँ पर लोगों के मुंह में रहता है वो आप लोगों को जब फूल झाड़ते हैं तो फिर आप लोग उस पर भी बुरा मान जाते हैं। तो चलिए जी, थोड़ी सी बात बस कर लेते हैं यहाँ पर सितारा के कल के रिएक्शन पर। सबसे ज़्यादा खुश जो है ना वो अकबर फैमिली है, और ऐसा लगता है कि जी सितारा उनकी कोई मम्मी जी हैं और उन्होंने जो है ना वो इन लोगों के बिहाफ पर अगर सैम के लिए जो भी बात करी है, तो यहाँ पर ये लोग जिस तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जी पता नहीं क्या ही रिवील हो गया हो, और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हाँ जी इनकी असलियत सामने आ गई है और मुंह पर अच्छे बनते हैं। तो अगर हम बोले मैं तो सैम की किसी भी चीज़ को सेकंड नहीं कर रही हूँ, और ना ही हम उनको सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत टाइम से वो अपने ही हिसाब से यहाँ पर अपने रिएक्शन लेकर चल रही हैं। कोई उन्होंने कुछ भी मेरे ख्याल से हाइड करने की कोशिश नहीं करी है, और जो भी यहाँ पर वॉइस लीक हुई है उसके आगे पीछे का सिनेरियो भी हमने सब ने यहाँ पर देख ही लिया है। तो उन सारी चीज़ों को वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा ही राज यहाँ पर खुल गया है। तो यहाँ पर डीडी बीबी नैना समेत जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ जी सितारा ने उनकी मर्ज़ी से या उनके कहने पर या उनकी सपोर्ट में या उनका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। तो लिटरली यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि वो लोग जो जब सितारा के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं तो वो लोग गुपचुप बैठे रहते हैं और ये बोलते हैं कि जी हमने किसी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है और हम इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं और हम जो है ना वो अपने अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सितारा ने कोई एक्शन लिया और उस शख्स के लिए लिया है जिससे अगर उनको उनके अपने अपने ग्रजेस हैं, तो ये लोग
लोग अचानक से आ गए हैं और सबको रिएक्शन देना याद रह गया है और उनको ये याद नहीं आ रहा है कि जी सितारा जो है उन्होंने अगर इस रिएक्शन की बात करी है तो उसमें उनको सिर्फ सैम का वर्ड याद रह गया है, बाकी उनको ये याद नहीं रहा कि जिस सितारा जो है अक्सर ही ये बात बोलती रहती हैं कि जी मेरे ख़ानदान के लोग कैसे हैं, किस तरीके से जो है ना ये लोग मेरे मुँह पर अच्छे बने रहते हैं, किस वजह से मेरे साथ जुड़े हैं, सब मतलब के रिश्ते हैं, इन्होंने हमेशा से मुझे धोखा दिया है, मुझे सबकी असलियत पता है, तो इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग उस लिस्ट से जो है ना वो बाहर हैं। या सितारा कहती है कि जी कराची में मेरे घर में जो है ना जिस तरीके से एक आना जाना लगा रहता था और मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी, तो उसको क्या, तो आप लोग को क्या लगता है कि सितारा का किसकी तरफ इशारा है, या आप लोग वाकई इतने मासूम हैं कि आप लोगों को कुछ ही नहीं पता है कि जब सितारा कहती है मैं कराची छोड़ आई हूँ और वहाँ के जो रिश्ते थे उनको सबको पीछे छोड़ दिया, वैसे एक बात है कि वो रिश्ते आने बहाने से वहीं पर ही हमें साथ साथ नज़र ही आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सा ही एक गुमनाम रिश्ता था जिसकी वजह से सितारा कहती हैं कि जी मैं इस्लामाबाद आ गई हूँ और अब जो है ना मैं वो कर दिखाऊंगी जो मैं कराची में नहीं कर दिखाई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो अपने लिए लीगल जा रही हैं, तो हम तो ख़ुद तो सितारा से यही कहते हैं कि सितारा बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनके ऊपर सब्र शुक्र आप नहीं करके बैठ सकते हैं, जब तक आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपको लेना चाहिए। लेकिन ये रिश्तेदार कैसे हैं कि इनको वो सारे टॉन्ट्स या वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, या फिर ये कि जब सितारा खुल्लम खुल्ला भी बोलती है कि जी अपने ख़ानदान वालों की असलियत मुझे अच्छे से पता है और ये लोग सारे ऐसे ही हैं, सारे लोग मेरे साथ मतलब के लिए ही जुड़े हैं, तो ये मासूम लोग जो है ये जानते ही नहीं है कि किसकी बात हो रही है। और सच में ये अकबर फैमिली जिस तरीके से सितारा के मामलात को यहाँ पर ख़राब करती है, या हमने उनकी जो भी बैक स्टैबिंग देखी है, और अगर हम नैना को देखें उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला यहाँ पर जो भी सितारा के लिए किया है और उसके बाद उनके भाइयों ने जिस तरीके से उनको बैक पर सपोर्ट किया है, तो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हैं। लेकिन ठीक है, सितारा जैसे भी अपने मामला लेकर चलें। अच्छा, सितारा ने आज की वीडियो में ये बोला कि उनका जो की पॉइंट था वो यही था कि मैं कैनेडा मूव होने की तैयारी कर रही हूँ, बहुत अरसे से प्लान कर रही हूँ, हमारा पेपर वर्क तैयार भी हो गया था लेकिन फिर मैं रुक गई थी क्योंकि जब मैं कराची से इस्लामाबाद आई थी तो मुझे इस्लामाबाद में सब कुछ अच्छा लग रहा था और मैं जो हूँ इन सारी चीज़ों में सेटल होने लगी थी, और वरना इससे पहले के जो भी मामलात थे तो मैं जब दुबई भी गई थी तो सोच रही थी कि वहाँ पर चले जाएँ, जैसे हम आपने देखा ही है कि वहाँ पर कोई मेरे हेटर नहीं है। तो सितारा आप ठीक है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के लिए या किसी भी चीज़ की वजह से मूव करना चाहते हैं और हमने अब्रॉड में देखा ही है, मतलब बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो अपने अपने रीजंस के तहत वहाँ पर जाते हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि हम कहेंगे जी कोई बुराई है, और लेकिन बुराई जब आ जाती है जब आप अपने मुल्क को बुराई करके वहाँ पर जा रहे होते हैं और ये चीज़ बोलते हैं कि जी यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, तो सॉरी टू से आपके ख़ानदान ने जिस तरीके से इस मुल्क को रिप्रेजेंट किया है ना, वो एक काबिले शर्म चीज़ है, वरना इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अच्छे बुरे हर जगह ही लोग होते हैं। और आपका ये कहना कि यहाँ पर मर्द तो मर्द, औरतें उससे ज़्यादा बुरी हैं, हसद की मारी हैं, तो आपने ऐसा लगता है कि सबको ही लपेटे में ले लिया, क्या आप अपने ख़ानदान को भूल गए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप हेटर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे हेटर्स आपके यहीं पाकिस्तान के ही हैं, क्या आपको नहीं पता कि बाहर कंट्रीज से कितने ज़्यादा जो है ना वो आपके हेटर्स हैं, फिर वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ही हैं। मेरे ख्याल आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हेटर्स को हमेशा जो भी चीज़ें आपके हवाले से दी गई हैं वो आपके अपने ख़ानदान के लोगों की वजह से दी गई है। जलन हसद जो है वो आपके अपने घर से सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा जो टांग खींची है या आपकी जो बिचिंग की है वो आपके घर वालों ने की है, आपके ख़ानदान वालों ने की है, तो आप कैसे पाकिस्तान के लोगों को इस तरीके से सब उस लपेटे में ले सकते हैं। हम तो खुद इतने ज़्यादा हैरान हैं कि यार हमने ऐसे लोग ऐसा ख़ानदान ना कहीं देखा ना सुना जो इस तरीके से अपने ख़ानदान की एक औरत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कि उसका अगला पिछला सच्चा झूठा किस तरीके से जो है ना चंद पैसों के लिए यहाँ पर बिक रहे हैं, बेच रहे हैं, इनको अपनी इज्जतों का कोई ख्याल नहीं है। और फिर आपका ही क्या, ये लोग तो अपनी माँ बहन बेटी मियाँ हर किसी के ऊपर इस तरीके से रिएक्शंस दे रहे होते हैं, तो सॉरी टू से आपका जो ख़ानदान है ना वो जिस तरीके से यहाँ पर हमारे मुल्क को हमारे दीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। और आपका ये कहना ये बहुत ही अफसोसनाक है, और आप कभी आप मतलब इस तरीके से कभी यहाँ के नमक को बोल रहे होते हैं और कभी यहाँ के आपने लोगों को ही बुरा बोल दिया, तो वेरी सॉरी, बहुत ही ज़्यादा हमें हर्ट हुआ। ठीक है, हर कोई ही मूव करना चाहता है, आपको
कुछ भी कहती हैं कि जी मैं अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए बाहर जाती हूँ, हम कोई भी अगर पेरेंट्स होते हैं अपनी तरफ से अपने बच्चों को बेस्ट ही फ्यूचर देने की कोशिश करते हैं, और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपके मामलात आप जिस तरीके से भी लेकर चल सकते हैं, आपको बाहर जाना है, आपको उसकी विश है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, हर कोई अपने अपने फैसला करने में आज़ाद है। लेकिन इस तरीके से आप मुल्क को बुरा बोलकर जा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ से गलत बात है, और आपको इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना वो सोशल मीडिया पर हो रहा है। या तो ये कि आप सोशल मीडिया ही 100% क्विट कर देंगे, फिर तो आप पाकिस्तान में भी रह रहे हो, किसी को क्या ही पता, 2-4 दिन लोग बात करते हैं और फिर भूल भाल जाते हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ट्रोलिंग तो हर जगह ही होती है, उसके लिए आपको प्रॉपरली स्टेप लेना होता है, आपको मजबूत होना पड़ता है, आपको अपने हक के लिए यहाँ पर निकलना पड़ता है, वरना ट्रोलिंग बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर भी हो रही होती है। लेकिन हर कोई अपने राइट्स को प्रॉपरली यूज़ करता है और अपने लिए यहाँ पर, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर स्टेप्स लेता है। तो आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन अगर आपको अवेयरनेस नहीं है या आप अपने लिए यहाँ पर स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि बाहर आप चले जाएंगे और वहाँ पर लोग जो है ना वो अपने काम से काम रखते हैं, तो बिल्कुल आप बाहर निकलेंगे, आपके पड़ोसी को भी आपकी खबर नहीं होगी। लेकिन सोशल मीडिया जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर लोग हर तरीके के आपको मिलते हैं, और ये आप कभी बाहर के यूट्यूबर्स जो हैं उनकी भी, आप उनके जो कमेंट बॉक्सेस हैं या उनके हवाले से भी जो यहाँ पर हेट सपोर्ट सब कुछ चल रहा होता है वो भी आप वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मुल्क बदलने से, जगह बदलने से कुछ भी नहीं होता है, अपने कॉन्शियसनेस को अपडेट करने से सारे मामला सही होते हैं, जब आप अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी हर चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। तो बिल्कुल अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए आपको जो भी बेटर लगता है आप बिल्कुल करिए, लेकिन हर जगह के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, और ख़ासतौर से जो बाहर लोग रहते हैं उनके ऊपर भी रिसर्च कर लीजिएगा कि उनकी क्या राय है, वो लोग किस तरीके से सोचते हैं अपनी कंट्री के लिए, और वो बाहर जब रह रहे होते हैं तो वो किस तरीके के लाइफस्टाइल को लेकर चल रहे होते हैं, उनको क्या क्या करना पड़ता है, ये सारे प्लस माइनस पॉइंट्स हैं ना, उनको अच्छे से सोच समझ के जाइएगा। चले जी, बस थोड़ी सी बात करूँगी। एक कॉमेंट मैंने पढ़ा और वहाँ पर ये था कि सितारा प्लीज़ तुम जा रही होगी तो हलीमा को साथ ले जाना, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। लिटरली लोग यहाँ पर किस तरीके की बातें करते हैं। अभी तो हम यही सोचे हैं कि सितारा जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि जब सितारा इस्लामाबाद जा रही थी तो हर किसी की थंबनेल पर इस्लामाबाद इस्लामाबाद ही था, तो अगर सितारा कनाडा चली जाएंगी तो फिर हम जो है डीडी बीबी और नज्जो सबके थंबनेल पर देखेंगे सितारा ने मुझे कनाडा क्यों बुलाया है, क्या मैं कनाडा जा रहा हूँ, क्या मेरा टिकट हो गया है। सच में हम तो यही सोचें अगर सितारा कनाडा चली गई तो उनके ख़ानदान वालों का क्या होगा, वो लोग किस तरीके से जो है ना कनाडा को अपने थंबनेल्स में यूज़ करेंगे। चले जी, देखते हैं सितारा क्या डिसीजन लेती हैं। अल्लाह सबके लिए ही बेहतरी के मामलात करे और सबके लिए ही आसानियों वाली बात करे। चले जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।